हेलो एवरीवन, मेरा नाम राजेश चौधरी है। साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एंड एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। उस वीडियो के अंदर आपको मेरी लाइव क्लासेस मिलेगी, पूरी की पूरी क्लास मिलेगी। उस क्लास के अंदर मैंने स्टूडेंट को पूरा डिस्कस किया है कि इंट्राडे के बारे में। इंट्राडे में जो डेली वोलेटिलिटी होती है, होता क्या कि आप किसी भी स्क्रिप्ट को बाय करते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि आपने किसी स्टॉक को बाय कर लिया, वो मूव ही नहीं करेगा, या तो आपका एसएल देगा या फिर मूव ही नहीं करेगा, मींस वो साइडवेज रह जाएगा, या फिर प्राइस को आपने निकाल दिया और उसके बाद फिर आपका प्राइस ऊपर निकल गया। कहने का मतलब प्राइस का पहले आपका एसएल दिया और प्राइस फिर ऊपर निकल गया या फिर नीचे निकल गया, जैसा भी है, ठीक है। तो इन सब सवालों को प्रॉपर तरीके से मैंने पूरी क्लास के अंदर समझाया कि आपकी डेली वोलेटिलिटी का कितना इंपॉर्टेंस है, कि प्राइस की एक डेली वोलेटिलिटी मींस प्राइस की एक रेंज होती है, वो अगर वोलेटिलिटी अगर वो ब्रीच कर गई तो उसमें क्या होगा कि प्राइस जो आपका एक बार ब्रीच कर गई तो नॉर्मली 95% टाइम मूवमेंट नहीं आएगा। तो वो डेली वोलेटिलिटी क्या ब्रीच करी है या फिर नहीं है, तो इंट्राडे में एक मूवमेंट आपका पॉजिटिव मोमेंटम होगा, नेगेटिव मोमेंटम होगा, मींस आपका एक मोमेंटम आपका साइडवेज होगा या फिर एक ट्रेंडिंग होगा। तो ये पूरे सवाल जो है मैंने इस टॉपिक में कवर किए हैं और इस क्लास के अंदर भी कवर किए हैं स्टूडेंट्स के साथ। लाइव क्लास है, क्वेश्चन आंसर क्लास है, पूरा एंड तक देखेंगे, ऑलमोस्ट एक घंटे का वीडियो है, एक घंटे की क्लास है, तब आपको समझ में आएगा। हो सकता है आपको 3 से 4 बार देखना पड़े, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए, अच्छे से समझिए, देन आपको काफी चीजें समझने को मिलेंगे। चलिए वीडियो के ऊपर चलते हैं और चीजों को समझते हैं प्रॉपर तरीके से। ओके, ठीक है। आप लोगों से पूछता हूं मैं कि जो डेली वोलेटिलिटी है, ठीक है, जो अब तक क्लास करी थी उस क्लास से थोड़ा डिफरेंट है, अलग वे में। तो डेली वोलेटिलिटी है, वीकली वोलेटिलिटी होती है और मंथली वोलेटिलिटी होती है ना किसी भी स्क्रिप्ट की। तो हम ज्यादा फोकस अभी किस पे करेंगे, डेली वोलेटिलिटी के ऊपर, कि डेली वोलेटिलिटी किसी भी स्क्रिप्ट में ट्रेडिंग के लिए क्यों जरूरी है। क्या आपको ये थोड़ा भी बहुत भी किसी को आइडिया कि मैं आपसे वैसे नॉर्मली क्वेश्चन करता हूँ कि डेली वोलेटिलिटी अगर किसी भी स्क्रिप्ट को अगर हम ट्रेड करें तो उसमें अगर डेली वोलेटिलिटी को अगर हम ध्यान में रखें तो क्यों बेनिफिशियरी है, मीन्स हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। अब तक जो मैंने सिखाया उससे एक अलग हटके मैं आपको सिखा रहा हूँ, ऐसा क्यों? देखो, सबसे पहले उससे पहले मैं आपसे सवाल बाद में करूंगा, फिर सिखाऊंगा मैं आपको पूरा। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप मंथली वोलेटिलिटी देखेंगे, ये मंथली चार्ट है ना, जो हर कैंडल जो बन रही है वो मंथली कैंडल बन रही है। तो इसका इस कैंडल का एक ओपन भी ओएचएलसी चार्ट है ना, इसको ओएचएलसी चार्ट बोलते हैं, ओपन हाई लो एंड क्लोज। तो इसका एक हाई भी होगा एक लो भी होगा। जो डेली वोलेटिलिटी जो रिटर्न में मैं एंड में आप सब लोगों को मैं दे दूंगा कि एक फॉर्मूला उसका, बट ना कैलकुलेशन जाने की जरूरत नहीं है, एनएससी की वेबसाइट पे जाके सब कुछ मिल जाता है। कमोडिटी वगैरह बाकी किसी स्क्रिप्ट का अगर आपको वोलेटिलिटी निकालना है तो उसका मैं फॉर्मूला सेपरेटली दे दूंगा। फॉर्मूला सेपरेटली है मीन्स आपका डेली वो जो आपकी कैंडल का हाई एंड लो है उसको माइनस करके जो आपका जो क्लोजिंग प्राइस होता है उस क्लोजिंग प्राइस को डिवाइड करके 100 से डिवाइड करते हैं तो उससे परसेंटेज आ जाता है, उससे हम फिर 2 से डिवाइड करते हैं। देखो ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, कोई मुश्किल नहीं, ज्यादा इसको ध्यान में नहीं रखना है, जस्ट समझने के लिए कि ये फॉर्मूला इस तरीके से होता है डेली के लिए, मंथली के लिए, वीकली के लिए, वो मैं फॉर्मूला आपको दे दूंगा। हम बात करेंगे डेली वोलेटिलिटी के लिए, कि डेली वोलेटिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है। वन आर कम सॉरी डेली का हम चार्ट ले लेंगे आज। अभी इसको चार्ट को हम साइड में कर देते हैं, एक लॉजिकली सवाल करता हूं कि आप देखते हैं नॉर्मली कि प्राइस जो है गैप अप ओपन हो जाती है, हो जाती है ना, प्राइस गैप अप ओपन होती है और 5 मिनट के 2 या 3 कैंडल ग्रीन बनती है और पूरे दिन प्राइस यू साइडवेज हो जाती है, होता है ऐसा? हाँ सर, होता है। अगर आपका 90% टाइम प्राइस गैप अप एंड गैप डाउन ही ओपन होता है, आप किसी भी इंडेक्स में किसी भी स्क्रिप्ट में नॉर्मल देखेंगे तो 90% गैप अप गैप डाउन होता है। जब ज्यादा गैप अप एंड गैप डाउन हो जाता है तो उसके बाद प्राइस 100% नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसमें 90% टाइम साइडवेज हो जाता है, 10% टाइम वन वे निकल जाता है। अगर गैप डाउन खुला तो भी प्राइस आपका वन वे निकल गया, ऐसा होता है? यस जी सर, ये इंडेक्स में भी होता है, स्क्रिप्ट में भी होता है। एक चीज और होती है कि प्राइस आपका नॉर्मल ओपन हुआ, ठीक है, नॉर्मल ओपन हुआ उसके बाद प्राइस ऊपर गया, यू वोलेटाइल हो गया, ऐसे भी होता है स्क्रिप्ट, ऐसे भी स्क्रिप्ट होता है, या फिर स्क्रिप्ट नॉर्मल ओपनिंग हुआ पूरे दिन वन वे चला गया। तो इनको डिफरेंशिएट कैसे करें,
मीन्स हम एक रेंज बाउंड सेशन को कैसे डिफरेंशिएट करें, एक ट्रेंडिंग सेशन को कैसे डिफरेंशिएट करें, और हम एक जो ट्रेंडिंग वाला वन वे वाला सेशन ये, और एक रेंज बाउंड सेशन, और एक गैप अप ओपनिंग के बाद फिर साइडवेज हो जाए, उसको कैसे डिफरेंशिएट करें। मेन तो टॉपिक यही है ना कि डेली वोलेटिलिटी क्यों जरूरी है। डेली वोलेटिलिटी इसीलिए जरूरी है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है। सपोज करते हैं प्रीवियस डे की एक ये आपकी एक कैंडल के थ्रू आपको मैं समझाता हूँ। ये वाली कैंडल है प्रीवियस डे की, मैं डेली कैंडल पे आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, फिर डेली वोलेटिलिटी कहाँ से निकालेंगे, कैसे इसको यूज करेंगे, पूरा हम डिटेल में समझेंगे, इसका हाई एंड लो को मार्क कर देंगे। अब देखिए एग्जैक्टली अगर आपको हाई एंड लो मार्क करना है तो क्या करना है, इसका हाई कितना है निफ्टी 50 का 15469, हाई है ना, जिसका डिस्टर्बेंस आ रही है वो म्यूट कर दीजिए, 15469। तो एग्जैक्टली तो ऐसे ड्रॉ होगी नहीं ना, इधर उधर हिल जाएगी 15469। तो आप इसकी सेटिंग्स में जा करके क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स में चेंजेस कर सकते हैं, एग्जैक्ट आ जाएगा 15469 एग्जैक्ट ड्रॉ होगी आपकी, एग्जैक्ट ड्रॉ होगी। तो आप इस तरीके से मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए, इस तरीके से नहीं ड्रॉ करना आपको, हमेशा हमेशा आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। कीबोर्ड का एल एच प्रेस करके कर सकते हैं, या फिर आप वहां से टूल में ले जाकर के आप यहाँ टूल से निकाल सकते हैं। इतना समझ में आ रहा है, इसको डिटेल में समझिए और थोड़ा म्यूट कर दीजिए यार, इधर से हम थोड़ा इसको थिकनेस इसकी बढ़ा देते हैं। कोऑर्डिनेट्स में जाकर के क्या करेंगे 15469 ये है ना, ठीक है। अब एक टॉपिक और आता है, एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ कि ये कोऑर्डिनेट्स में ट्रेंड लाइन में तो दो आ रहा था बट इसमें तो एक ही आ रहा है, ऐसा क्यों? ट्रेंड लाइंस अगर मैं ट्रेंड लाइंस ये इधर से अगर मैं ट्रेंड लाइंस ऐसे होरिजन ट्रेंड लाइन को होरिजनल लाइन है ना, तो इसमें तो कोऑर्डिनेट्स जो आपका आ रहा है दो आ रहा है बट इसमें तो एक ही आ रहा है, जबकि दोनों लाइन टूल है, दोनों तो प्राइस एक्शन का लाइन टूल है ना। कुछ लोग, मैं आपको एक चीज बता दूं, जब ये डिस्कशन हो रहा था, कुछ बेवकूफ लोग जो होते हैं, ठीक है, YouTube पे कमेंट करते हैं, कहते हैं कि प्राइस एक्शन बोलते हैं और पिचफोर्क यूज करते हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो प्राइस एक्शन पिचफोर्क किसका पार्ट है? प्राइस एक्शन का ही है। तो ऐसे बेवकूफों को क्या पता, चलो छोड़ दीजिए उस बात पर, कोई बात नहीं, उसको जवाब मिल गया, उसको रिप्लाई करने से अच्छा हमने क्लास में जवाब दे दिया, जो भी ऐसा। तो इसमें दो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ट्रेंड लाइन को मैंने क्या बोला था, ट्रेंड लाइन मिनिमम रिक्वायरमेंट ट्रेंड लाइन की क्या होती है, टू स्विंग्स, यस, बस यही बात खत्म होगी। चलो इसको डिलीट कर देते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझना पूरा ध्यान से समझना, हर एक सवाल पूछना, क्लास दोबारा कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, पर किसी का भी कोई सवाल नहीं रहना चाहिए, ठीक है जी सबको। अब इसका लो क्या है, इसका लो क्या है 15394, ये मैं एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, आपको एक्चुअल में कैसे अंडरस्टैंडिंग करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसका लो क्या है 15394, है ना, 15394, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, कहीं भी ड्रॉ कर दीजिए, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन आपने चाहे यहाँ ड्रॉ कर दी, आप यहाँ पे इस पे प्राइस डाल देंगे वही आ जाएगी 15349, है ना, वही आ जाएगी वो 15349। देखिए 394 है, गलत आ गया, 15394 है जी, चलो एग्जैक्ट आ गया। अब जो नॉर्मली आपकी निफ्टी की डेली वोलेटिलिटी कितनी है, आपको अगर पता होगा सबको, डेली वोलेटिलिटी कैसे चेक करते हैं, एनएससी की वेबसाइट पे जाकर चेक करते हैं, इस पे 1.43 हाँ ऑलमोस्ट 10% के आसपास, ठीक है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मिलेगा। चलो ठीक है, अगर आपने बता दिया तो एनएससी की वेबसाइट पे जाकर के, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ, अगर किसी को नहीं पता तो खुल ले दीजिए इसको। बाकी फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और आप डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं, निफ्टी में डेरिवेटिव में जाएंगे, खुलने दीजिए इसको, तो कॉन्ट्रैक्ट आ जाएंगे इसमें, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट आएंगे तो करंट फ्यूचर का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए, जो स्पॉट में तो होगी नहीं ना, वो तो डेली वॉलेटिलिटी तो जो जिसमें ट्रेड होगा उसमें होगा, तो आपको किसमें दिखाएगा वो,
इंस्ट्रूमेंट टाइप पे जाएंगे, इंडेक्स फ्यूचर में जाएंगे ना, करंट एक्सपायरी कौन सी है, इधर दिखाएगा 1.42। देखिए अनिल भाई को इतना याद है, मतलब इनका प्रैक्टिस का लेवल क्या होगा, याद है देख के बताया, सही बताना अनिल? नहीं सर पता ही था। इससे अच्छा क्या, इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो कहने का मतलब ये है कि इसकी डेली वोलेटिलिटी ये कि 1.42% ये नॉर्मली गैप अप एंड गैप डाउन होने के बाद साइडवेज हो जाएगा, ठीक है, कितने टाइम, 90% टाइम। अगर निफ्टी 50 1% के आसपास ऊपर या नीचे खुलता है तो उसके बाद वो साइडवेज रहेगा 90% टाइम उसके, अदरवाइज वो 10% टाइम क्या रहेगा, ट्रेंडिंग रहेगा। वो 10% कैसे फाइंड आउट करना है और 90% कैसे फाइंड आउट करना है, तो सपोज करते हैं एक रेंज निकली 5 मिनट चार्ट के अंदर कर देते हैं इसको ताकि आपको इजी से अंडरस्टैंड हो जाए, ये था ना? ये तो गलत है यार, गलत है, सही है, सही है, गलत नहीं सही है। तो प्राइस कहाँ ओपन हुआ, देखिए प्रीवियस डे का जो प्रीवियस डे की जो रेंज थी, प्रीवियस डे की रेंज में अगर प्राइस रहता है तो वो दिन कौन सा होता है, साइडवेज। वो नॉर्मली आपका क्या हो जाएगा, ये वर्ल्ड की किसी भी स्क्रिप्ट एंड आप इस कमोडिटी करें, आप इक्विटी करें, कुछ भी करें, ये सब पे इम्प्लीमेंटेशन, इसके ऊपर हमारा जो एबीसी वाला जो मॉर्निंग सेशन, लंच सेशन एंड इवनिंग सेशन का, उसके ऊपर भी है सेटअप, वो सेपरेट डिस्कशन करेंगे। मैं अभी डेली वोलेटिलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्राइस आपका रेंज के अंदर ओपन हुआ था या रेंज के बाहर ओपन हुआ था उस दिन 31 मई को, ये देखिए 9:15 5 मिनट का रेंज के अंदर। सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, डे ट्रेडिंग के लिए मैं सेपरेटली आज डे ट्रेडिंग के बारे में बात करने बैठा हूँ। डे ट्रेडिंग के अंदर हमें उसी स्क्रिप्ट में उसी इंडेक्स में काम करना है जो फ्रेश रेंज ब्रेकआउट हो, फ्रेश रेंज के बिना काम करना ही नहीं है, ठीक है। अब इधर देखिए, इधर आपका प्राइस बीच में खुला तो इधर क्या फ्रेश रेंज ब्रेकआउट हुआ? बहुत सारे लोग फ्रेश रेंज ब्रेकआउट को क्या समझते हैं कि प्रीवियस डे या प्रीवियस डे की हाई एंड प्रीवियस डे की लो, बहुत सारे ने लोगों ने इस पे YouTube पे वीडियोस भी बना के रखे हुए कि प्रीवियस डे की रेंज का अगर हाई एंड लो ब्रेक करता है तो आप एंट्री कर सकते हैं, तो ये बात क्या सच है? बिल्कुल भी सच नहीं है, गलत बात है, ठीक है। इस बेस पे ट्रेडिंग नहीं हो सकती, वो आपको हमेशा मार्केट ट्रेप करेगा और ट्रेप करके आपके दूसरे डायरेक्शन में जाएगा, आपको एंट्री दिला करके। क्यों क्यों होता है ऐसा? प्राइस देखिए, प्राइस कहां खुला आपका, मिडिल में खुला, मिडिल में खुल के प्राइस नीचे गया, आपका कंफर्म ट्रेड कब होता, या तो कोई फ्री कैंडल इधर क्लोज हो जाती या फिर प्राइस अगेन ऊपर जाता, इस रेंज को रिस्पेक्ट करता एज ए रेजिस्टेंस और आपको रिटेस्ट करके अगेन स्टेपर लाइन के थ्रू एंट्री देता, तो वो फिर करेक्ट एंट्री थी प्राइस इस तरीके से जाने के लिए। इतना क्लियर है? यस सर। अब इस दिन आप जब डे ट्रेडिंग करेंगे तो आप इतनी बड़ी कैंडल, चलो हम स्टेपर लाइन जो भी ड्रॉ करें, इस तरीके से अगर हम स्टेपर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, स्टेपर लाइन का ब्रेकआउट होकर इधर रिटेस्ट हुआ, बट हमें रेंज के बाद ही करना है, रेंज के बाद ही करना ना, तो स्टेपर लाइन से डे ट्रेडिंग में मूव आपका चला जाता है, ये पता है सबको, पता है कि डे ट्रेडिंग के अंदर जो आपका, बाकी उसके लिए 1 मिनट के हमारे सेटअप्स हैं, बट मैं सिर्फ एक रेंज ब्रेकआउट, एक ट्रेंडिंग सेशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। तो प्राइस अगर इस रेंज के बाहर निकलता है तो ये भी तो फेक हो सकता है, एटलीस्ट एक बार रिटेस्ट चाहिए ना इस तरीके से, चाहे वो दो ही कैंडल का हो, चाहिए ना? तो आपका देखिए प्राइस कितना ट्रेप किया, प्राइस मिडिल में खुला, प्राइस ने ट्रेप किया और प्राइस ऊपर की साइड निकल गया पूरे दिन, ऐसा हुआ? यस यस। जो डे ट्रेडिंग के लिए जो हम सब लोगों के मन में जो गलत फहमी है, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूं। अभी डेली वोलेटिलिटी की तो मैंने जस्ट अभी बात करना शुरू किया, पूरा एक्सप्लेन नहीं किया, अच्छे से अभी एक्सप्लेन करेंगे। डेली वोलेटिलिटी का कहने का मतलब कि अगर प्राइस नॉर्मल ओपनिंग हुआ तो आपका एक ट्रेंडिंग सेशन आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको शुरुआती आपको आधा घंटा आपको कंफ्यूज किया मार्केट, उसके बाद एक ट्रेंडिंग सेशन देखने को मिला, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है, ठीक है। मार्केट के ऊपर फिक्स स्ट्रेटेजी, फिक्स सेटअप कोई होता ही नहीं, ठीक है, इसलिए तो प्राइस सेक्शन पूरा लर्निंग करते हैं, जिसमें मार्केट स्ट्रक्चर, एरिया ऑफ वैल्यू, एंट्री एग्जिट, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन एंड चार्ट पैटर्न, हार्मोनिक पैटर्न, तो सब चीजें काम करती है, ऐसा नहीं कि एक चीज, सब चीजें काम करती है, लेकिन वो चीज कौन सी किस वे में काम करती है उसके लिए आपको स्किल्स आनी चाहिए,
ऐसे ही होता है, काम सारी चीजें करते हैं, वन टाइम में सारी चीजें काम नहीं करेंगे। आप सब सारे टूल्स एक जगह लगाओगे, आप जो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हो इतने सारे इंडिकेटर लगाते कंफ्यूज होते हैं, कोई ना कोई इंडिकेटर तो काम कर ही रहा होता है, ऐसा नहीं है। मैं ऐसे तो मैं इंडिकेटर को लाइक नहीं करता, मैक्सिमम फेलियर ही होता है, ठीक है, बट ऐसा नहीं। अगर प्राइस एक्शन के ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग अगर आप हेल्प लेना चाहो और वो सपोर्ट करें तो आप कर सकते हो, वो अलग मैटर है, ठीक है, बट मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। तो आपका जो डेली वॉलेटिलिटी है उस वॉलेटिलिटी को आपको क्या करना है, ठीक है, नॉर्मल आपका इधर ओपनिंग हुआ, नॉर्मल ओपनिंग हुआ तो आपको क्या इस दिन आपको क्या मन बनेगा, आपको यही मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका नॉर्मल ओपनिंग हुआ आपको क्या सोचना है? सर बाइंग का सोचना है, बाई सेल तो सोचना नहीं, आपको ये सोचना है कि एक कंफर्म एंट्री मिले, एटलीस्ट अगर इस रेंज के अंदर रहेगा तो ट्रेंडिंग रेंज बाउंड सेशन रहेगा, इस रेंज के बाहर निकलेगा कहीं भी एक प्रॉपर एंट्री, क्योंकि यहाँ पे तो गलती ये है कि एंट्री नहीं आती, एंट्री तो सबसे बड़ा टॉपिक है ना, एंट्री अगर करेक्ट होगी बाकी सब चीजें ठीक होगी, तो 95% लोगों को तो एंट्री नहीं आती, वो तो हम क्लास में सिखाते ना एंट्री कैसे करते हैं, वो तो बहुत सीरियस टॉपिक है। तो एंट्री तो मेन इश्यू है कि एंट्री आपको मार्केट तो ट्रेड करेगा ही करेगा, लेकिन करेक्ट एंट्री तो होनी जरूरी है। मेन चीज आपको ये अंडरस्टैंड करनी है कि आपको एक बार मैं यहाँ से डिलीट करके आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो मैं बात कर रहा हूँ डेली वॉलेटिलिटी की, डे ट्रेडिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंस है डेली वॉलेटिलिटी का। सबको आवाज मेरी साफ साफ आ रही है ना? हाँ सर, एकदम क्लियर। यस सर, क्लियर आवाज। देखो आप किसी भी स्क्रिप्ट, अगर नॉर्मल ओपनिंग हो, क्या हो, नॉर्मल ओपनिंग हो, रेंज के अंदर ओपनिंग हो, तो आपको कोई भी स्क्रिप्ट में ट्रेड करना, डे ट्रेडिंग करना है, तो उसमें फ्रेश रेंज ब्रेकआउट के बाद ही करना है, ट्रेपिंग में नहीं करना है। जैसे ये ट्रेप था, ठीक है, ये ट्रेप तो गलत है, प्री कैंडल का भी लो नहीं टूटा, ये तो अगर आप एंट्री करते हो तो गलत सकते हो, ठीक है, आपको वेट करना है। तो आपको जब आपका मार्केट जब ओपन हुआ तब आपको दिमाग में आ जाना चाहिए निफ्टी की प्रीवियस डे की रेंज थी, क्योंकि अगर इस रेंज में इस रेंज में प्राइस अगर क्लोज होती है तो कौन सी कैंडल बनेगी बताइए, इनसाइड कैंडल बनेगी ना डेली की, एक एक जी सर, एक इनसाइड बार बनेगी, इनसाइड बार बनेगा, ठीक है, इनसाइड बार बनने का मतलब क्या है, रेंज माउंट है, पूरा रेंज माउंट था, साइडवेज होगी, ठीक है। तो यहां से आपको आपको डिसाइड करना है कि मुझे देखना है कि अगर रेंज बाउंड सेशन आता है, रेंज बाउंड सेशन होता है तो एक रेंज निकालेगा वो 10 बजे तक रेंज निकाल देगा, और उसके बाद प्रीवियस डे की एक रेंज होगी, तो इसने क्या नॉर्मली ये एक रेंज निकाल दी। तो आपका क्या होना चाहिए कि अगर ये रेंज में रहेगा मार्केट तो मैं रेंज बाउंड ट्रेंडिंग, रेंज बाउंड जो सेशन है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करूंगा, अगर ये फ्रेश रेंज ब्रेकआउट होता है तो मैं ट्रेप ना होकर के पूरे अच्छे से अंडरस्टैंड करके फिर ट्रेड करूंगा डे ट्रेडिंग अगर मुझे करना है किसी भी स्क्रिप्ट में। इतना अंडरस्टैंड है? तो इतना अगर इतना आप करते हैं तो आपको एक अच्छा ट्रेंडिंग डे मिल जाता है, क्योंकि नॉर्मल ओपनिंग हुई थी, मार्केट ने ट्रेप किया था, उसके बाद चला गया। अब देखिए होता क्या है, ये नॉर्मल ओपनिंग हुई थी तो आपका डेली ये क्यों गया, क्यों गया, क्योंकि मार्केट कोई भी स्क्रिप्ट होती है उसकी एक डेली वॉलेटिलिटी होती है, इसकी डेली वॉलेटिलिटी अगर 1.5% है निफ्टी की, तो अगर आप ओवरऑल इसको मिलाएंगे तो 1.5% ही आ जाएगी, 1.5% के आसपास आ जाएगी, तो इसकी वॉलेटिलिटी बची हुई इसलिए ट्रेंडिंग हो गया, ठीक है। अब मॉर्निंग के अंदर ही वॉलेटिलिटी अगर ब्रीच कर जाएगी, उसकी उसकी जो स्ट्रेंथ है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो जिन जिन्होंने ऑलरेडी पहले से बाई करके रखा वो लोग तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ना। 10% टाइम ही तो ऐसा होता है जब प्राइस महीने में 4 या 5 दिन ही तो ऐसा होता है जब प्राइस वन वे जाता है, वन वे ऊपर जाता है, वन वे नीचे जाता है, वो भी तो अभी मैं बताऊंगा। अभी ये क्यों गया, क्योंकि इसकी डेली वॉलेटिलिटी अभी बची हुई थी। सेम ये अगर मैं लाइव से इसको जोड़ के देखूं तो हम डेली वॉकिंग पे जाते हैं ना, आप लोग नहीं जाते हो वो अलग बात है, नॉर्मली जो नॉर्मली जाते हैं उसके लिए बात करूं, तो हमारा एक एवरेज रूटीन होता है ना कि हम डेली वॉकिंग के लिए गए और अपने घर आ गए। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो कभी कभी होता है महीने में कि हम कभी कभी वॉकिंग के लिए गए और कुछ काम भी हो गया, घर से बाहर निकले और वॉकिंग भी कर लिए, कुछ काम हो गया और अगले दिन वापस आए, ये भी तो है ना। तो सेम स्क्रिप्ट में महीने में 2-4 दिन तो ऐसा होता है ना कि वन वे निकल जाती है, तो सेम लाइफ में भी वही होता है। तो लाइफ स्टॉक मार्केट को चलाने वाले भी इंसान ही है, तो सारा सब कुछ चार्ट पे दिखता है, तो इंसानों का बिहेवियर स्टॉक मार्केट का बिहेवियर दोनों अलग अलग नहीं हो सकता, सेम ही है। हमें चार्ट रीड करना आना चाहिए। तो इस दिन आपका प्राइस इसलिए मूव किया उसकी डेली वॉलेटिलिटी बची हुई थी। अब अगला दिन अगर हम देखें, अगला दिन के 5 मिनट के चार्ट के, चाहे आप डेली कैंडल को कर दीजिए, हाई लो बांध दीजिए, या फिर आप 5 मिनट की
चार्ट को भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है उसमें? तो ये रेंज थी ना, ये वाली ये रेंज थी, ठीक बोल रहा हूं जी सर? ये और आप लोगों के साथ ट्रेपिंग होता है, मार्केट नॉर्मल ओपनिंग हुआ, तीन कैंडल ग्रीन बनी, खत्म प्राइस, थोड़ा तो वेट करना पड़ता ना, क्या हो गया? रेंज के अंदर घुस गया, रेंज के अंदर घुस गया, अब प्रीवियस डे के रेंज के अंदर घुस गया प्राइस। तो आपको पता है डेली वोलेटिलिटी बच्ची, अगर ट्रेंडिंग सेशन होगा तो मेरा रेंज से बाहर निकल जाएगा, इधर तो बाहर निकल नहीं पाएगा, क्योंकि इधर बाहर निकलेगा तो यहां तक डेली वोलेटिलिटी खत्म हो जाएगी, इतना ट्रेवल करने के बाद तो प्राइस में स्ट्रेंथ ही नहीं बचेगी कि प्राइस और नीचे चला जाए, ऐसा होता है ना कि इतना ट्रेवल करने के बाद तो बची हुई नहीं। तो ये वाला तो एक सेटअप है कि इधर आपका सपोर्ट कैसे लिया, उसी पार्ट का वो एबीसी पार्ट वाला वो जो मैं देता हूँ कि इधर सपोर्ट जो लिया है वो फोर्थ पार्ट में डिस्कशन करेंगे, वो अलग चीज है, बट डेली वोलेटिलिटी की अगर क्लास है तो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे प्राइस रेंज में घुस गया, तो आपको ट्रेंडिंग डे बनने के लिए तो रेंज से बाहर निकलना ही पड़ेगा यार, सीधी सी बात है, कोई भी इंसान अपने घर में आ गया तो वो घर में कितना भागेगा फिरेगा, छत पे चला जाएगा, इस रूम से दूसरे रूम में चला जाएगा, इधर उधर तो भागेगा, वो खुला मैदान नहीं नहीं मिलेगा, कहाँ भागेगा वो, उसको भागने के लिए रूम तो चाहिए ना, मतलब कहने का मतलब अगर वो एक प्लेस चाहिए, प्रॉपर एरिया चाहिए उसको कि वो भागे, तो प्राइस को भी तो प्राइस प्रीवियस डे का जो रेजिस्टेंस था और प्रीवियस डे का जो सपोर्ट था उस रेंज में प्राइस आ गया, तो अब प्राइस तो भागना नहीं है, भागना क्या? नो सर, बिल्कुल नहीं भागना। तो देखिए कौन सा सेशन हो गया, रेंज बाउंड क्यों हो गया? रेंज बाउंड क्यों हो गया? क्योंकि डेली वोलेटिलिटी जो है, डेली वोलेटिलिटी के अकॉर्डिंग प्राइस जो है, जो आपकी जो प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस था उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और उसके नीचे क्लोज हो गया, तो वो डेली वोलेटिलिटी वो इधर ही आ गई। तो आपका डेली यहाँ से अगर यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे तो एक रेंज बाउंड सेशन है, इसकी डेली वोलेटिलिटी जो बोलते हैं वो 1% के आसपास निकल जाएगी आराम से। हाई एंड लो को हम जब मार्क करते हैं ना, जब अगर इनसाइड कैंडल भी बनता है, अगर ऊपर और नीचे को जब हम मार्क करके जब समझते हैं चाहे इनसाइड तीन बार बने, तो वो एक एवरेज आसपास डेली वोलेटिलिटी आ जाती है। तो ये अंडरस्ट, अगर प्राइस यहाँ पे फ्रेश रेंज ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, फ्रेश रेंज ब्रेकआउट अगर प्राइस का हुआ है, ठीक है, तो प्राइस को सस्टेन भी होना चाहिए, क्योंकि प्राइस आप देखिए इतना ट्रेवल करके जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ये समझ में आ रहा है ना सबको? आप लोग कोई सवाल नहीं कर रहे हो, सवाल अभी पूछना, अभी मैं ये थोड़ा समझा दूं आप लोगों को, फिर सारे सवाल पूछना। होता क्या है कि आपका इधर समझेंगे, होता क्या, प्राइस वन वे निकल जाता है ना इधर ऐसे, ठीक है, तो उसको तो हमें वाच करना है ना, कैसे वाच करना कि प्राइस निकल रहा है, निकलने के बाद अगर प्राइस 38% रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट देता तो वन वे जाएगा ना, तभी तो वन वे जाएगा। तो निफ्टी 50 ने ऐसा क्या किया, क्या ऐसा कोई भी बिहेवियर किया कि वन वे जाने वाला, तो वन वे जाने वाला तो आपको पता ही लग जाएगा कि प्राइस कंटिन्यूअसली इस तरीके से वन वे जाएगा, 38% का रिट्रेसमेंट करेगा या 50% का रिट्रेसमेंट करेगा, देन ऊपर वो जाएगा। अब रिट्रेसमेंट क्या होता है आप लोगों को तो पता है, अगर ये वीडियो अगर हम अपलोड करेंगे तो रिट्रेसमेंट के दो वीडियोज है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड फिबोनाची सीक्रेट्स, वो जिसको भी देखना वो देख लीजिए। तो अगर रिट्रेसमेंट कंप्लीट करता तो प्राइस वन वे जाता। हम पता है क्या होता है, हम डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशन ट्रेडिंग सबको एक ही समझते हैं, ऐसा नहीं होता, प्राइस एक्शन यूनिवर्सल होता है, प्राइस जो वो हर एक टाइम फ्रेम पे ट्रेड होगा, आप 1 मिनट से लेकर के 1 आवर 1 डे किसी भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर ले, बट थोड़ा अलग कर लीजिए। डे ट्रेडिंग अलग है, डे ट्रेडिंग में ज्यादा वोलेटिलिटी रहती है, वो स्मूथ नहीं रहता, ठीक है, उसमें ज्यादा स्किल्स चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग उससे इजी होता है एंड पोजिशन ट्रेडिंग उससे इजी होता है, अगर थोड़ा भी आप एनालिसिस जानते हो तो वो और ज्यादा इजी होता है। तो सबसे इजी पोजिशन ट्रेडिंग होता है, उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि हम सबसे पहले वो काम करना चाहते हैं बिना सीखे, तो ऐसा होने वाला नहीं, बिना सीखे तो कुछ भी नहीं होता, बिना सीखे तो ड्राइविंग भी नहीं आती, वो भी करते हैं तो पता नहीं किसको किसको मार देते हैं, ऐसा ही होता है। तो ये तो एक फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट देखिए, हम एक नौकरी करने के लिए और ये सब करने के लिए हम इतने साल पापड़ बेलते हैं और उसके बाद इतनी सिफारिशें लगाते हैं, उसके बाद इंटरव्यू देते हैं, 1000 लफड़े होते हैं, फिर 20,000 50,000 1,00,000 की जॉब तो खैर बहुत मुश्किल से मिलती है ना ऐसा, ठीक है। तो हम ऐसा क्यों सोच लेते हैं कि हम फाइनेंशियल मार्केट में काम करेंगे, एक एसी रूम में बैठेंगे, एसी लगा लेंगे, 5,00,000-10,00,000 रुपए महीने कमा लेंगे? हाँ कमा सकते हैं, बिल्कुल कमा सकते हैं, लेकिन स्किल्स के बाद, सीखने के बाद, नहीं सीखोगे तो जो है वो भी चला जाएगा। मैं 16 साल के एक्सपीरियंस के बाद बोला हूँ,
आप लोगों को भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस होगा इस चीज का, इसीलिए हम साथ में हैं। आप अगर सीधा ही कर लेते तो मेरी जरूरत नहीं पड़ती ना सिखाने की, आप खुद ही कर लेते, ये तो लाइफ का प्रैक्टिकली सच है। तो अगर प्राइस रिट्रेसमेंट नहीं करता तो आपको क्या समझना चाहिए, देखो थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगाओ। देखो ट्रेड करने से पहले उस ट्रेड पे कॉन्फिडेंस लो कि हाँ रियली ऐसा होता है, दो दो क्वांटिटीज, चार चार क्वांटिटी, दस दस क्वांटिटी, उसके बाद देख लेंगे ना, उसके बाद बड़ी क्वांटिटी कर लेंगे। हम तो पहले ही बड़ी क्वांटिटी करना, पहले दिन से पैसा कमाना सीखना नहीं है, ये आप लोगों के लिए लागू नहीं है क्योंकि आप लोग तो अभी सीख रहे हो, तो नहीं सीख रहे उनके लिए। तो प्राइस आपका क्या हुआ, ऐसी कोई भी कंडीशन मीट हुई कि प्राइस के अंदर जरा सा भी आपको स्ट्रेंथ दिखा रिट्रेसमेंट वाला? प्राइस किधर घुस गया? रेंज, रेंज के अंदर घुस गया, रेंज के अंदर घुस गया। तो प्राइस क्या हुआ, जो डेली वोलेटिलिटी थी उस स्क्रिप्ट की, वो डेली वोलेटिलिटी किसमें खत्म हुई? रेंज में, रेंज में खत्म होगी, सिंपल है। क्यों रेंज में खत्म होगी? क्योंकि आप प्रीवियस डे का जो रेंज का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था, जो आपका रेजिस्टेंस था वो ब्रेक किया, उसके बाद वो सपोर्ट बनने वाला था लेकिन बना नहीं। अब इस चीज की तो गारंटी नहीं है ना कि बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा तो ट्रेड करेंगे नहीं। ये जो आपका क्या था, हॉरिजॉन्टल क्या था प्रीवियस डे का, एक रेजिस्टेंस था मॉर्निंग के अंदर, सॉरी रेजिस्टेंस था प्रीवियस डे के लिए, तो रेजिस्टेंस होगा ना। अब प्राइस इसके बाहर खुला, प्राइस इसे ऊपर जा रहा है, तो प्राइस को यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए ना, अगर नीचे आएगा तो फिर प्राइस ऊपर जाना चाहिए। अब सपोर्ट करेगा तो क्या होगा, इधर मैं ये सारा डिलीट करके बताता हूँ आपको मैं, ये वैसे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर इसको 3 घंटे भी क्लास करूंगा तो खत्म नहीं होगी जहाँ तक मुझे लगता है। मजा आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है? यस सर, बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, तो अभी देखिए प्राइस ऊपर खुला, 5 मिनट की कैंडल नीचे आई, ठीक है, सपोर्ट लिया, अगेन ऊपर खुला, ट्रेप किया एंड नीचे। एक कैंडल के तो बिलीव कर नहीं सकते ना, एक कैंडल पे बिलीव कर नहीं सकते। रेंज, प्राइस क्या हुआ, रेंज के अंदर वापस घुसे, इसने रिस्पेक्ट किया ही नहीं प्रीवियस डे के रेंज को। जब रिस्पेक्ट करता है तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करता है। प्राइस ड्रॉप हुआ, अब आप लोग क्या करते हैं, इतना इतना ड्रॉप होने के बाद सेल करते, बिल्कुल नहीं। प्राइस ड्रॉप हुआ, इधर देखिए रिटेस्ट होने गया, तो यहाँ पे सेलिंग बनती थी, ठीक है, यहाँ पे सेलिंग बनती थी। फिबोनाची का जो नेक्स्ट लेवल का टारगेट है, वो टारगेट आया ना जी सर, अगेन अगेन प्रीवियस डे की जो रेंज है, जो जिस रेंज को वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसको रिएक्ट करना था, सपोर्ट रिएक्ट करना था, प्रीवियस डे की जो रेंज थी उसको सपोर्ट रिएक्ट करना था, उसको सपोर्ट ना करके यहाँ पे मार्केट 1:30 बजे के आसपास रेजिस्टेंस रिएक्ट कर रहा है, कर रहा है। यहीं पे क्यों रुका प्राइस, ये पिछले दिन की ये रेंज है, तो ये कभी हम देखते ही नहीं है। तो आपका प्राइस, ये डेली जो हम डे ट्रेडिंग करते हैं, डे ट्रेडिंग के अंदर ये कोई भी स्क्रिप्ट में अगर हम काम करें तो उस स्क्रिप्ट का हमें पता होना चाहिए कि वो स्क्रिप्ट इंट्राडे के ड्यूरिंग में ट्रेंडिंग रहने वाली है या फिर रेंज बाउंड रहने वाली है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम एक्सपेक्टेशन में बैठे रहेंगे कि हम जो आपका जो सेशन है वो रेंज बाउंड रहने वाला है और हम एक बिग मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, समझ लो। और आपको पता ही नहीं होगा एक एक स्क्रिप्ट में बड़ा मूवमेंट आने वाला है, समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ, कि एक स्क्रिप्ट में बड़ा मूवमेंट आने वाला है और आपको फीवर इतना हो चुका, किसी भी ट्रेड पे कॉन्फिडेंस नहीं है और आप यहीं पे, यहाँ पे बाई किया, थोड़ा सा प्रॉफिट निकाल मिला और आप निकल गए, उस ट्रेड में बैठे नहीं, ट्रेड ही नहीं किया। कहने का मतलब ये, तो जो मैं बात बोल रहा हूँ ये ट्रेड पे कॉन्फिडेंस लेने वाला, अगर ट्रेड पे कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे बात बनेगी, ये तो हो नहीं सकता ना ऐसे। तो ये तो एक प्योर प्रोफेशन, एक बिजनेस है, अगर बिजनेस की तरह लेंगे, हर एक बिजनेस डील की तरह लेंगे हर ट्रेड को, तो उसमें हमें सक्सेस मिलेगी। तो इतना समझ में आ रहा है कि डेली वोलेटिलिटी किसी भी स्क्रिप्ट में क्यों इम्पोर्टेंस है, इसलिए इम्पोर्टेंस है कि आपका उस स्क्रिप्ट में हमें फाइंड आउट करना है कि गैप अप गैप डाउन या नॉर्मल ओपनिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं 10 बजे से पहले पहले कि वो सेशन ट्रेंडिंग रहने वाला है या फिर रेंज बाउंड रहने वाला है। ये चीज किस, ये इस तरीके का वीडियो यूट्यूब पे अगर आप कहीं भी देखेंगे आपको नहीं मिलेगा, आप लोग खुद बता दीजिए सब लोग। अगर आपको इस तरीके का इतने डिटेल्स में आपको बता दें कि इस तरीके से प्राइस आपका रिएक्ट होता है, कि डे के अंदर प्राइस ट्रेंडिंग रहने वाला, रेंज बाउंड होने वाला, इतना इजीली हम कैसे फाइंड आउट करें बिना किसी फालतू फालतू चीजें के, इतना सिंपल वे में ऐसा पॉसिबल है? सब लोग बताइए। नहीं है सर, यूट्यूब पे तो नहीं है सर, सर यूट्यूब पे तो लेकिन अब होगा, रिकॉर्डेड वीडियोस बेचने में लगे हूं। जब आप डालोगे तभी मिलेगा, हम डालेंगे तब मिलेगा। चलो अच्छा, जितना हो सके कोशिश तो करते हैं यार, मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिले।
नई बात है, ये वाला वीडियो नहीं है, इस टाइप से नहीं है, कितना डिटेल में डे ट्रेडिंग को आपका रेंज बाउंड सेशन एंड ट्रेंडिंग सेशन के बारे में एक्सप्लेन किया गया हो, और वो भी अच्छे से और एक लाइव क्लास के अंदर। अभी 2 मिनट के अंदर एंड हो जाएगा, फिर दोबारा मैं आपको लिंक दूंगा, तब ज्वाइन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट डे समझ लेते हैं, अभी डिलीट कर दूंगा इसको, समझ में आ रहा है? जी सर, अभी पता है बहुत डिस्कशन करना है डेली वॉलेटिलिटी के ऊपर, की डेली वॉलेटिलिटी को और ज्यादा डिटेल में अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट डे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट डे जो आपका जो एक सेशन रहा था उसका हाई ये था, अप्रोक्सीमेटली मैं मार्क कर रहा हूँ, 100% एक्यूरेट मार्क नहीं करा कोऑर्डिनेट्स में जाकर के। ठीक है, ये था और ये था, क्या था? ठीक है, प्राइस आपका किधर खुला? नीचे खुला, एंड 5 मिनट कैंडल किधर गया? किधर गया? ऊपर, ऊपर गया ना, नीचे खुला ऊपर गया। अगर प्राइस इस तरीके से नीचे आके इधर यहां पे सपोर्ट लेता, रिस्पेक्ट करता, तो हम एक इस रेंज के लिए ट्रेड कर सकते थे, निफ्टी को कर सकते थे ना, लेकिन प्राइस ने ऐसा किया क्या? नहीं किया। प्राइस ने क्या किया? अगले 5 मिनट की कैंडल और नीचे क्लोज हुई, अगले 5 मिनट की और नीचे क्लोज हुई, उसके बाद 5 मिनट की कैंडल क्या कर रही है? उसको रेजिस्टेंस ले रही है। तो ये एक ट्रेड आपका परफेक्ट ट्रेड नहीं है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से अगर देखेंगे तो ये जो आपकी एक वेव है, इस वेव का 30% जो होता है, नेक्स्ट फिबोनाची का जो नेक्स्ट लेवल होता है 127% वाला, वो टारगेट अचीव हुआ है। मैं बिना फिबोनाची ड्रॉ करके आपको बता रहा हूँ, आपको अगर दिखाऊंगा। क्या था सर, मैंने ये ट्रेड लिया था मैंने। अरे वाह, ये ट्रेड आपने लिया था इसी बेस पे लिया था या हमारे सेटअप पे लिया था? यस, ये इसी बेस पे ही लिया था सर। अरे वाह, आप तो बहुत अच्छा सीख गए, अच्छा लगता है आप ऐसे बोलते हैं। तो आपकी वजह से ही सीख रहे हैं। अरे नहीं, ये आप लोगों का डेडिकेशन, आप लोगों की लर्निंग है यार, मैं तो मेहनत कर सकता हूँ सिखाने। ये देखिए, इधर फिबोनाची है, ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता कि 127 का करंट वेव, तो आई थिंक ये होगी, ठीक है, ये होगी 127 का हम निकाल देते हैं। फिबोनाची पे जाना ना, फिबोनाची के अंदर जाना है, इधर निकलता ना 127, ठीक है जी सर। वो तो लाइक डॉट आया गया, वहीं पे रुका प्राइस 127 मतलब मीन्स ये जो आपकी एक वेव है, इस वेव का ये स्ट्रेच हुआ है 27%, 100% के बाद जो लेवल आता है वो, ठीक है। फिर हम यहाँ तक पहुंच गए ना, यहाँ तक देखिए, ये प्रीवियस डे की रेंज ये थी, अब क्या हुआ, प्राइस रिट्रेसमेंट करके इधर आपका अगले दिन क्या हुआ, वापस कहाँ घुस गया प्राइस, सेम डे। तो आपका ये ट्रेंडिंग सेशन था या रेंज बाउंड सेशन था? यहां तक ट्रेंडिंग था, कहां तक, इस ब्रेकडाउन के बाद ट्रेंडिंग था। अब ये तो गारंटी नहीं है ना कि 100% प्राइस वन वे जाएगा 100% टाइम, बट एक अच्छा टारगेट दिया है, सब पहुंच जा रही है मेरी जी सर, ठीक है, यस सर। तो यहां पे एक अच्छा टारगेट मिला है सबको, कि एक आपको ये डिसाइड होगा कि एक ट्रेंडिंग सेशन होगा, एटलीस्ट आपको पैसा मिलेगा। देखो, आपको अगर जो मेरा 50-50 का ट्रेलिंग वाला है, तो यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल टूटा, अगर रूल आपने फॉलो किया तो ट्रेलिंग एसएल टूटा है? नो सर, जहां पे टूटा वहां पे प्रॉफिट बुक कराया, तो आपका सेम आपका ये अगेन रेंज में घुस गया। देखो, ये रेंज में घुस गया, यहाँ पे कैसे ट्रेड करें, ये अगेन कैसे ट्रेड करें, वो तो फोर्थ पार्ट में हमारे जो एबीसी पैटर्न के साथ, एबीसीडी नहीं, एबीसी एक अलग है, एबीसीडी तो हार्मोनिक पैटर्न में आता है, एबीसीडी जो होता है ये वाला हार्मोनिक पैटर्न, कौन सा वाला, इधर से निकलता ना जी सर, ये वाला, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एक सेपरेट सेटअप है मेरा ओन, मैं बताता हूँ आपका जो मार्केट 3 सेशन में चलता है, मॉर्निंग सेशन, लंच सेशन एंड इवनिंग सेशन, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उसके अंदर एक 11:20 पे हमें एक अच्छा ट्रेड मिलता है, हम अंडरस्टैंड करें, मॉर्निंग के अंदर एक अच्छा ट्रेड मिलता है, जैसे आपको मैं डेली वॉलेटिलिटी के अकॉर्डिंग बताऊँ, क्योंकि उसमें फिबोनाची टाइम जोन इंक्लूड है, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें 3 ट्रेड मिलते हैं। इवन बैंक निफ्टी की जो 52 एक्सपायरी होती है, उस 52 एक्सपायरी में से 10 से 12 ऐसी एक्सपायरी होती है जो वन वे निकलती है, उसमें से 10-12 एक्सपायरी में से 2 एक्सपायरी खराब चली जाती है, 10 ऐसी होती है जो कि ऑप्शंस का प्रीमियम बहुत मल्टीप्लाई होता है काफी अच्छा, मतलब आप दूर का अगर आउट द मनी लेते हैं तो आपका वो
10 टाइम 20 टाइम्स हो जाता है, ऐसा होता है क्या रियली में? कुछ लोगों ने उस पर काम किया? जी सर, जी सर होता है। हाँ, तो उस पर काफी सारे कमोडिटी का सेटअप है, वो प्योर प्राइस एक्शन बेसिस मीन्स वो आपको वो फोर्थ पार्ट में सिखाएंगे। अभी क्लास कर रहे हैं तो फिर वो हो नहीं पाएगा, वो तो लेंथ पूरे वीक के अंदर करते हैं तब जाके कंप्लीट होता है। वो इजी है बट प्रोसेस है, वन वीक के अंदर सिखाना पड़ेगा, पूरा वीक लगेगा उसको सिखाने को अलग। तो अगले दिन देखिए हम इसको देखते हैं, इसको एक बार हटा देते हैं, सारी चीजें डिलीट कर देते हैं। क्या रेंज थी? रेंज तो बहुत बड़ी निकल के आ गई, यही रेंज थी ना? जी सर। ठीक है, तो प्राइस कहाँ खुला? रेंज के बाहर। रेंज के बाहर खुला, ठीक है। तो प्राइस ने क्या किया? कंसोलिडेशन किया, साइडवेज रहा ना प्राइस। क्यों क्यों रहा? देखिए मैंने बोला कि नॉर्मल ओपनिंग होगा तो आपके अगर रेंज फ्रेश रेंज ब्रेकआउट, अगर नॉर्मल ओपनिंग होता फ्रेश रेंज ब्रेकआउट होता ट्रेंडिंग सेशन, जैसे ये एक नॉर्मल ओपनिंग हुआ था ना तो एक ट्रेंडिंग सेशन अच्छा मिला, बट यहाँ पे क्या हुआ? गैप अप ओपनिंग हुआ। तो या तो पहले ये गैप फील हो जाए फिर ही हम एक अच्छे ट्रेड का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। क्या हो जाए? गैप फील हो जाए कि आप अगर प्रीवियस डे का भी ये निकाल सकते हो, ये भी आपका एक प्रीवियस डे का एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट काम करते हैं ना। तो अगर आपको ट्रेड में जरा सा भी बिलीव हो इस तरीके से सपोर्ट ले और उसका हाई टूटे तो आप कर सकते हैं, मतलब यहाँ नहीं कर सकते यहाँ पे कर सकते, क्योंकि स्टेपर लाइन में डे ट्रेडिंग के ड्यूरिंग में क्या होता है, स्टेपर लाइन के अंदर मैंने आपको बोला एक चीज कि प्राइस जब भी ट्रेवल करके जाए, मीन प्राइस यहाँ पे ट्रेवल करके जाए ब्रेकआउट पे आपको एंट्री करनी नहीं। क्यों नहीं करनी? क्योंकि मुझे पता है कि स्टेपर लाइन से जब प्राइस ट्रेवल करके जाता है तो फर्स्ट अटेम्प्ट पे एंट्री करता है तो वो रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं होता, बहुत बड़ा एसएल होता है, रिटेस्ट पे एंट्री होती है हमेशा ना। अब जो हम कॉल एंड पुट जो एनालिसिस करके डेली मॉर्निंग में मैं बता रहा हूँ, वो रेगुलरली बता रहा हूँ, जिसको थोड़ा प्राइस एक्शन आता है उसको, जिसको एंट्री करना आता है उसके लिए तो काम का है एनालिसिस, जिसको एंट्री नहीं करता करना आता उसके लिए कोई किसी काम का एनालिसिस नहीं है। प्रैक्टिकली मैं बताऊँ, आप खुद बता दीजिए, क्योंकि आपको पता है एंट्री कैसे करनी है, आपको टाइम शिफ्टिंग कैसे करना है, लो टाइम फ्रेम में कैसे करना है, कहाँ पे एंट्री करनी है कहाँ पे नहीं करनी, जिसको नहीं पता वो कैसे एंट्री करेगा? ठीक है, तो अभी देखते हैं अगर उस वो लोगों को बेनिफिट मिलेगा तो उसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं बेनिफिट मिलेगा तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसमें मेरा टाइम बहुत ज्यादा जाता है मॉर्निंग के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर आपको बहुत जब प्राइस एक्शन आप सीख जाते हैं तो बहुत अच्छा आपको कॉन्फिडेंस अगर होता है तो आप यहीं पे एंट्री कर लेते हैं, बट प्योरली अगर डिसिप्लिन में रहते रूल के साथ फॉलो करते हैं तो ये एंट्री होती है, प्रैक्टिकल एंट्री आपकी ये है। ठीक है, ये है ना, तो आपको पता है कि प्राइस गैप अप खुला उस दिन आपका आपके माइंड में क्या होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए? सर फ्रेश रेंज बाउंड, कि रेंज बाउंड ट्रेंडिंग डे, रेंज बाउंड डे होना चाहिए, मतलब एक सेशन जो होगा वो रेंज बाउंड होगा। रेंज बाउंड हुआ ना, आपको पहले ही पता लग, आपको मॉर्निंग के अंदर पता लग गया तो उसी हिसाब से आप, हम हमें पता नहीं होता कि रेंज बाउंड रहने वाला है ट्रेंडिंग रहने वाला है। तो जब भी प्राइस आपका ये ध्यान में रखना कि गैप अप होने के बाद प्राइस कंटिन्यूस 15 मिनट नहीं अगले 15 मिनट भी बढ़ना चाहिए, मतलब कंटिन्यूसली प्राइस अप होना चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करना चाहिए 38% या 50% का देन ऊपर जाना चाहिए, तो वही उसी दिन वन वे रहेगा। अदरवाइज अगर प्राइस ऊपर गया गैप अप खुला उसने जो इस कैंडल का लो भी तोड़ दिया उसने तो कुछ बचा ही नहीं ना फिर प्राइस के अंदर, मीन्स उस ट्रेंड के अंदर। अगर पहले 15 मिनट प्राइस की कैंडल अगर कंटिन्यूसली हायर हाई नहीं बना सकती, अगर प्राइस सस्टेन ही नहीं हुआ हुआ तो पूरे दिन क्या वो ट्रेंडिंग डे होगा? होगा क्या? नो सर, बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा। ये तो ये छोटी छोटी चीज है ना अंदर, मतलब ये डे ट्रेडिंग के लिए, डे ट्रेडिंग सेपरेट है, मैं डे ट्रेडिंग के बारे में सेपरेटली डिस्कशन कर रहा हूँ, डेली वोलेटिलिटी का क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है आप सब लोगों को या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो दोबारा क्लास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट सिखा के छोड़ेंगे यार, सिखाना रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोर्स फिनिश करना जस्ट कोई मोटिव नहीं है, ये थोड़ा कोर्स से बाहर जाकर के क्लास कर रहे हैं ना, तो ऐसे करते रहिए। तो आपका इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया डे? चलो आज का देख लेते हैं, आज का ही प्रीवियस डे की रेंज क्या थी? यही थी ना? जी सर यही थी। हाई क्या था? ये था ना, ठीक है। तो जो फ्रेश रेंज ओपनिंग के बाद क्या निफ्टी 50 ने कोई ऐसा साइन दिया कि इस रेंज ओपनिंग के बाद जस्ट 38% रिट्रेसमेंट कंप्लीट करेगा, 50% इसने तो 100% पूरा कर दिया यार, तो कहां इसमें स्ट्रेंथ ही नहीं, जान ही नहीं है स्ट्रेंथ ट्रेंड के अंदर, तो कहां ऊपर जाएगा ये? क्लियर है?
मिस डेली वोलेटिलिटी के अकॉर्डिंग प्राइस नॉर्मल ओपनिंग हुआ है, बट नॉर्मल ओपनिंग हुआ तो वन वे जाने के लिए प्राइस फर्स्ट 30 मिनट के अंदर प्राइस वन वे जाना चाहिए, उसके बाद क्या जस्ट या 45 मिनट जाए चाहे 1 आवर जाए, उसके बाद जो रिट्रेसमेंट कंप्लीट करे वो 30% इस वेव का 30% या सॉरी 38 या 50% कंप्लीट करे तो वो वन वे जाएगा। इधर वन वे जाने का कोई सिम्टम ही नहीं है भाई, है क्या? नो सर, जब नहीं है सर, नहीं है तो जबरदस्ती ट्रेड करना है क्या? वो तो पैसा कमाने वाली बात है। अब जो आज मॉर्निंग के अंदर जो वीडियो बनाया था उस वीडियो के अंदर क्लियरली बताया था कि अगर प्राइस इस तरीके से आएगा तो एक रेंज बाउंड सेशन हो जाएगा और नीचे की तरफ आएगा, नीचे के टारगेट भी दिए थे, वही प्राइस आया, बैंक निफ्टी भी आया, निफ्टी भी आया, अच्छा खासा मूवमेंट मिला डाउन साइड में। तो अब मुझे ये बता दीजिए, अब प्राइस आपका कहां घुस गया? प्रीवियस डे की रेंज में, रेंज में, रेंज। तो आपकी एक इनसाइड कैंडल बननी चाहिए ना, चलो एक वीक ऊपर निकल जाए, बट अगर रेंज में अगर आपका हो गया तो आपकी जो कैंडल जो है वो आपकी एक जैसे ये प्रीवियस डे की कैंडल बननी है लाइक ऐसी ही कैंडल बननी चाहिए, डेली की ऐसी बननी चाहिए ना, क्योंकि ये तो मॉर्निंग में पता लग गया। तो प्राइस इस रेंज में घुसा, इस रेंज में घुसा तो इस रेंज को ट्रेड करना है, ऐसे तो ट्रेड करना नहीं, रिटेस्ट पे ट्रेड करना है क्योंकि प्राइस ट्रेवल करके आ रहा है, तो ये फेक भी तो हो सकता है। तो प्राइस ने रिटेस्ट किया तो आपको एक परफेक्ट आपको जो वन यहाँ पे 127 का नहीं 141 का टारगेट आ गया, आपको मैं दिखा सकता हूँ। ऐसे नहीं, मार्केट तो सही चलता है, मार्केट सही चलता है, हमारा समझने का नजरिया अलग है क्योंकि हमें लर्निंग नहीं है, हम पैसा पहले कमाना चाहते हैं, सीखना बाद में चाहते हैं, पहले सीखना पड़ेगा फिर पैसा आएगा, अगर सीखेंगे नहीं तो फिर दिक्कत है। तो आज का दिन क्या मुश्किल था? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, निफ्टी में अच्छा ट्रेड मिला, अगेन आपका इधर गया अच्छा ट्रेड मिला है, ठीक है, दो ट्रेड आपको अच्छा मिला, इधर इधर आपका सपोर्ट था निफ्टी 50 का, कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना है, तो वो तो चलो छोड़ दीजिए, छोटा सा एक्सरसाइज है, इस छोटे छोटे ट्रेड हम नहीं करेंगे, बट अगर आप एक दो ट्रेड को समझते हैं तो ये क्या अच्छे ट्रेड नहीं है निफ्टी 50 का आज के प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग? ठीक है, तो अभी जो मैं कहना चाहूँ एक बार फिर दोबारा समझ लीजिए, ठीक है, लास्ट में रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपका प्राइस एक रेंज के अंदर होता प्रीवियस डे की, जो अभी उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपका मैंने बोला कि जो कल का जो से एक कैंडल बना इनसाइड कैंडल वैसे ही सेम आज बना है, देख लीजिए आप डेली टाइम फ्रेम में, सेम वैसा ही बना क्या? वैसा ही तो बना है, वो ग्रीन बना था, ये रेड बना है, सेम वैसा ही कैंडल बना है। तो ये होता है कि आपको प्रॉपर मॉर्निंग के अंदर समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। 5 मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, 5 मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आपको क्या करना है, जैसे आपकी ये रेंज है डे ट्रेडिंग के लिए डेली वॉलेटिलिटी के अकॉर्डिंग, कि अगर प्राइस ज्यादा गैप अप खुल जाता है इस रेंज के तो क्या होता है, उसकी एक स्ट्रेंथ होती है, हर एक स्क्रिप्ट की स्ट्रेंथ होती है, वो अगर ब्रीच कर जाती है तो उसके बाद क्या होता है, वो उसके बाद प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं होती, तो नॉर्मली प्राइस इंट्राडे के ड्यूरिंग में वो साइडवेज हो जाता है, क्लियर है? गैप अप ओपनिंग के बाद, सेम गैप डाउन ओपनिंग के बाद डेली वोलेटिलिटी को ब्रिज करने के बाद साइडवेज हो जाएगा। अब हमेशा तो ऐसा नहीं होगा, 90% ऐसा होगा, 10% टाइम क्या होगा, प्राइस वन वे निकल जाएगा। तो उसको ट्रेड करने का क्या तरीका है, वन वे निकलने दीजिए, जितना जा रहा जाने दीजिए, 30 मिनट 45 मिनट 1 घंटा, आपको मौका जरूर मिलेगा, ऐसा दिन में मौका देगा, वो जस्ट 30% या 50% का रिट्रेसमेंट कंप्लीट करेगा, फिर वापस चलना शुरू कर देगा स्टेपल लाइन का ब्रेकआउट के बाद। तो ये दिन आपका ट्रेंडिंग होगा, ये दिन आपका ट्रेंडिंग होगा, अगर प्राइस इसके ऊपर खुला वापस अंदर घुस गया रेंज बाउंड सेशन होगा, इसके प्राइस नीचे खुला वापस अंदर घुस गया रेंज बाउंड सेशन होगा, इतना ही डेली वोलेटिलिटी है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है। फॉर्मूला मैं एंड में डालूंगा, कल जब आप वीडियो देखोगे कल या परसों तब आपको समझ में आ जाएगा वो मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे का कैलकुलेशन होता है। इतना क्लियर है सब लोगों को? जी सर, यस सर। अब सब लोग आप बताइए जो नए हैं, उनसे पूछना कि आप सीख रहे हो और सही लग रहा है आपको, फिर कोई डाउट है या फिर सही सिखा रहे हैं, गलत सिखा रहे हैं, या फिर सब लोगों से अलग सिखा रहे हैं, कुछ फीडबैक दीजिए ताकि पता लगे सब लोगों को, पूरी दुनिया को एटलीस्ट पता लगे कि हम बाकी लोगों से हटके क्या कर रहे हैं। सर हम वो कर रहे हैं 5% लोग करते हैं, 95 नहीं करते, 95 नहीं करते, तो जितने जी तो सही बात है जितिन जी, 95 लोगों सर ऐसा कंटेंट कोई देगा भी नहीं सर, मतलब अगर
मैं पहले तो किसी के पास होगा ही नहीं ये कंटेंट अगर अनिल भाई बोल रहे थे अनिल भाई क्या कर रहे हो मतलब ये कंटेंट पहले तो किसी के पास में होगा ही नहीं सर इतनी ज्यादा एडवांस नॉलेज ये तो प्रैक्टिकल एक्सप्रेस करके आता ना ये तो किसी बुक में नहीं लिखा हुआ ठीक है ये जो प्राइस सेक्शन है जो प्रैक्टिकल प्राइस सेक्शन एंड थ्योरेटिकल प्राइस सेक्शन में डिफरेंस है वो डिफरेंस है तो ये तो प्रैक्टिकली जब आप करोगे आप 10-20 साल बिताओगे मार्केट में तब आपको नॉलेज आएगा ठीक है तो मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं बुक्स पढ़ के नॉलेज को शेयर नहीं कर रहे वो सेल कर रहे हैं उस बुक्स के अंदर जो पढ़ा उन्होंने टाइम स्पेंड किया उसको सेल कर रहे हैं अब कौन कर रहा है क्या कर रहा है हम किसके पीछे नहीं जाएंगे ठीक है बट मैक्सिमम लोग यही कर रहे हैं सेल कर रहे हैं बट हम सेल नहीं कर जो प्राइस प्रैक्टिकल लाइफ में गेन किया है वो ही शेयर कर रहे हैं और प्योर नॉलेज एंड नॉलेज ही शेयर कर रहे हैं चाहे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं चाहे आपको लाइव मार्केट में क्लासेस में सिखा रहे हैं सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं है ये मैं पूरी होनेस्टी के साथ कह सकता हूँ इतना आप 75 लोग अभी 75 क्लास में कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि सर नॉलेज के अंदर प्योरिटी नहीं है ऐसा कोई भी नहीं कह सकता और बाकी आपके सामने पब्लिक फॉर्म है ओपन फॉर्म है अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है तो आप खुले मन से बोल सकते हैं सबका मोस्ट वेलकम है अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो इम्प्रूवमेंट करेंगे यही कर सकते हैं और लाइफ में तो हमेशा इम्प्रूवमेंट करते भी रहना चाहिए अपनी गलतियों से सीखते रहना चाहिए अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो ठीक करेंगे उसको बट कुछ लोग बिना सोचे समझे कमेंट कर देते हैं जैसे मैंने आपको पिचफोर्क वाला बताया कि पिचफोर्क पे वीडियो बना दिया पिचफोर्क बता दिया पिचफोर्क बताता है प्राइस सेक्शन का अरे भाई पिचफोर्क प्राइस सेक्शन का ही तो पार्ट है अब उस गधे को कौन समझाए ऐसे लोग इसकी वैल्यू जब वो उसको बाद में पता चलेगी सर जब वो आगे जाएगा ना जब चीजों को समझेगा नहीं नहीं उसको पता चलेगी चलो हम एक बात वैसे लोग कभी आगे जाएंगे नहीं सर वो हम उनको ध्यान भी नहीं देना जाए ना पिचफोर्क इंडियन यूट्यूब मतलब यूट्यूब में सर्च करेंगे ना हिंदी में तो वहाँ एक से दो ही वीडियो मिलेंगे पिचफोर्क के किसी को पता ही नहीं है कि पिचफोर्क का क्या काम कर रहे हैं और जबकि ट्रेंड ट्रेडिंग में कितना अच्छा टूल है वो ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए असेंडिंग डिसेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने के लिए वो प्राइस देखिए प्राइस सेक्शन क्या है इसके ऊपर एक वीडियो आने वाला की बिगिनर्स प्राइस सेक्शन ट्रेडिंग क्यों स्टार्ट करें क्यों सीखे तो मैं एक चीज बताता हूँ कि प्राइस सेक्शन को लोग पता क्या समझते हैं कुछ लोगों ने तो मैं नाम ले लूंगा लेकिन कुछ लोगों ने तो कैंडलस्टिक पैटर्न को ही प्राइस सेक्शन बता के रखा हुआ है कैंडलस्टिक पैटर्न प्राइस सेक्शन का पार्ट है क्या है पार्ट है वो प्राइस सेक्शन नहीं है कैंडलस्टिक फेलियर होता है ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेंड के साथ ओनली सक्सेसफुल होता है ये जितना जल्दी हम समझ जाएंगे उतना बढ़िया इसलिए मैं कैंडलस्टिक पैटर्न पे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं आपने देखा ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए मैं प्राइस को इंपोर्टेंस देता हूँ प्राइस चार्ट को इंपोर्टेंस देता हूँ कैंडलस्टिक पैटर्न उसका पार्ट है जितनी जिसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए इंपोर्टेंस मिलनी चाहिए उतनी हम देते हैं वो चाहे कैंडलस्टिक पैटर्न हो चाहे आपके लाइन जितने भी टूल्स हैं लाइन टूल्स के जितने हो गए लाइन टूल हो गए जिसकी जितनी जरूरत है उतना ही तो यूज करेंगे मान लीजिए खाना बना रहे घर में तो उसमें नमक जितना जरूरत है उतना ही तो डालेगा ना ज्यादा डाल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना तो हर एक चीज तो लाइफ की इंप्लीमेंटेशन होती है स्टॉक मार्केट के ऊपर उसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है अजय जी आपको समझ में आ रहा है फिर मैं एक कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को हेलो हाँ अजय जी कैसे हैं आप बढ़िया सर आप बताइए बहुत बढ़िया आपको समझ में आ रहा है आपको तो अभी 1 वीक हुआ हाँ जी सुन हाँ जी हाँ जी सर आ रहा है अच्छा लग रहा है क्या कोई कुछ अगर कुछ बिल्कुल सर कुछ नजरिया चेंज साइकोलॉजी चेंज हुई 1 वीक में नहीं हो तो रही है सर और एक बात बोलना चाहूंगा एक्चुअली सर मेरा जो मानना है मेरा जो एक्सपीरियंस है कि गुड टीचर वही होता है जो राइट क्वेश्चन पूछे ना कि राइट आंसर ही दे क्योंकि हमारे को इतना नॉलेज नहीं है सही बात है हम तो अपने नॉलेज के हिसाब से ही क्वेश्चन पूछेंगे लेकिन अच्छा टीचर वही है जो अच्छे क्वेश्चन पुट करता है सामने और आप टाइम टू टाइम करते रहते हैं जो अच्छा लगता है हमें नई चीजें सीखने को मिलता है उससे थैंक यू सो मच आप सब लोगों का प्यार है यार अच्छा लगा आपसे सुन के ना अपने हमारे शशि भाई अनिल भाई जितिन जी ने काफी दिनों से और सबने मेहनत करी है तो इन लोगों को देख के मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग भी अच्छा करोगे और मेरे से भी ज्यादा अच्छा करोगे ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं भाई ठीक है और इतना मुश्किल तो आपसे मोटिवेशन मिलती है सर बिल्कुल भी देखो आपको प्रैक्टिकली बताओ स्टॉक मार्केट कोई रॉकेट साइंस नहीं है हमारे पास प्योर अगर नॉलेज हो प्रॉपर चीजें को अंडरस्टैंड हो तो क्या रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है हमें वो चीजें करनी है जो 95% लोगों को करते हैं नहीं करते ठीक है 95 के पास हर चीज का एक्सेस है हमारे पास भी एक्सेस है बट अलग क्या कर रहे हैं हम वही तो पैसा है ना वही तो करना हमें
अब कितने लोगों को इस चीज का पता है कि डेली वोलेटिलिटी के अकॉर्डिंग डे ट्रेडिंग में कैसे यूज होता है कि आपका मार्केट ट्रेंडिंग रहने वाला रेंज में, अगर आपको यही नहीं पता तो आप डे ट्रेडिंग में डे ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो? बिल्कुल, मतलब जिस चीज का वो आपको करना जा रहे हो उसका बेसिक्स ही नहीं पता। ये तो चलो हम वीडियो डाल रहे हैं, चलो डाल देंगे, आप सब लोग बोल रहे थे यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे वीडियो ताकि सब लोगों को इसका बेनिफिट मिले। काफी वीडियोस हमने मार्केट ट्रेंड वाला वीडियो एक ऐसा डाला था जो इसमें लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म में समझाया था, काफी क्लासेस हमने डाली कि एटलीस्ट पता तो लगे कि लोगों की रियली में रिकॉर्डेड क्लास एंड टेलीग्राम पे टिप्स लेने से इधर उधर भागने से अगर उसी का 10% पैसा अगर लर्निंग में लगा देंगे तो कहीं से भी वो सीखे, सबको तो हम नहीं सिखा पाएंगे ना। अभी कितने लोगों को क्लास में एडमिट, आप इसी मंथ का देख लीजिए 10 से मैं तो बोलता हूँ 15 लोग, लेकिन 10 से ज्यादा तो मैं एडमिट ही नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं भी एक चीज समझता हूँ कि अगर मैं किसी से 1-to-1 इंटरेक्ट नहीं कर पाऊँ, पर्सनली उसको टेक केयर नहीं कर पाऊँ, तो उसको एडमिट करने का मुझे कोई राइट नहीं है, क्योंकि वो फिर नेगेटिव फीडबैक देगा, वो सीख भी नहीं पाएगा। सिखाना इम्पोर्टेंट है ना, सिखाएंगे तभी तो चीजें सही होगी, तभी तो ग्रोथ करेंगे सब लोग। मेरा तो मोटिव यही है। सर एक बात बोलनी है। बोलिए, आप नाम बताइए। आज नंद कुमार बोल रहा हूँ सर। आज का तुमने जो टॉपिक लिया डेली वोलेटाइल, ये तो पहले हमें मालूम ही नहीं था। सुबह उठे मार्केट चालू हो गया, ऊपर जाए ले लो, होगा ऐसे लीड, नीचे जा रहा है ले लो। लेकिन आज का टॉपिक इतना बढ़िया है ना, इसके आगे ऐसा ही होगा ही नहीं सर। देखिए पता क्या, एकदम मस्त है। सुनिए सुनिए, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको प्रैक्टिकली बात बताऊँ, ठीक है? ये तो जस्ट जो आपके जो कोर्स से बाहर जाके एक एक क्लास एक्स्ट्रा जो होती है ना, कभी कभी जब मैं कभी सैटरडे को कर देता हूँ, सैटरडे संडे तो हम क्लास करते नहीं, जो करते तो जिस दिन मार्केट ओपन होता लाइव में ही करते जो करते हैं। तो जब मुझे ऐसा लग, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर एडिशनल क्लासेस करते हैं, जिसके अंदर आपको कोर्स से अलग जाके अलग लेवल पे कुछ अलग स्किल्स मिले, आपको अंडरस्टैंडिंग हो। देखो ये एक दिन दो दिन चार दिन का गेम नहीं है, स्किल्स आने में महीना डेढ़ महीना दो महीना तीन महीना चाहिए चाहिए, ठीक है? जल्दबाजी वाला काम नहीं है। जल्दबाजी करके क्या, या तो 1,000-2,000 कमाने वाली सोच रख लो या फिर बड़ी सोच रख लो। देखो सब कुछ तो माइंड एंड कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो। अगर आप जिस लेवल, लेकिन एक 8-10 दिन में सर कितना इंप्रूवमेंट होगा सर, 8-10 दिन में मार्केट की तरफ देखने का नजरिया बदल गया सर। सब लोगों का ऐसा है क्या, या सिर्फ नंद कुमार जी का ही है? नहीं सर, मेरा भी ऐसा ही है। हमारा भी बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला सर। सर दूसरे, बिल्कुल सही है सर। हाँ बोल लें सर। दूसरे यूट्यूबर क्या करते हैं, निफ्टी को दुल्हन की तरह सजा देते हैं, पर आपने निफ्टी को पूरा सरल तरीके से समझाया सर। नहीं, उसका कोई लॉजिक नहीं है ना, शो ऑफ करने का चीज। बहुत सारे लोग, एक बंदे ने मुझे कमेंट किया कि आप सर क्या करिए, 3 साल का प्रॉफिट लॉस का स्क्रीनशॉट वो क्या करिए, वो बोलते हैं अपलोड करिए 3 साल का प्रॉफिट लॉस का, और उसके बाद पता नहीं कुछ और भी रिक्वायरमेंट करिए। मैंने बोला तो है कौन सा है तेरे को, मैं ये करूंगा, ठीक है? कितना टाइम होगा क्या मेरे पास ये करने के लिए, ठीक है? अभी जब निफ्टी, जब बैंक निफ्टी वाला वो डाला था 15 लाख का स्क्रीनशॉट वाला, तब तो किसी ने नहीं बोला यार वो कहाँ से आ गया, ठीक है? तो वो एक्चुअली क्या कि वो शो ऑफ, मैं शो ऑफ इसलिए नहीं करता कि वो किसी को भी ना, देखो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, लाइक सब्सक्राइबर ये सब क्या करते हैं, वो शो ऑफ देख के, मतलब उसके प्रॉफिट से क्या उसको प्रॉफिट मिल जाएगा, क्या मेरे प्रॉफिट से उसको प्रॉफिट मिल जाएगा या मैं उसको देने वाला हूँ, ऐसा होने वाला नहीं सर। उसको नहीं सर, उसको हम्बल रिक्वेस्ट के साथ ये हो सकता है कि वो हम्बल रिक्वेस्ट करे, सर ऐसा है ये एजुकेशन मुझे भी चाहिए, मुझे भी इस लेवल पे करना है, ये करना है, तो बंदा हेल्प भी करेगा उसकी। तो इस पे मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक हस्बैंड वाइफ थे दोनों, ठीक है? पहले भी ये कहानी मैंने सुनाई थी, ठीक है? तो वो किसान थे दोनों, तो वो क्या आ रहे थे, मतलब किसान होता तो वो खेत में काम करके आता है, तो क्या थे उसके उनके पास गधा था एक, ठीक है? तो वो गधा आगे चल रहा था और वो दोनों पीछे पीछे चल रहे, तो वो तो रात अपने घर जा रहे भाई, घर जा रहे, तो फिर लोग बोलने लग रहे, लोग कह रहे कि देखो कैसे बेवकूफ है, मतलब गधा चल रहा है खेत से काम करके आ रहा है, गधे पे बैठ के घर नहीं जा सकते क्या? अब लोग तो बोलेंगे ना, लोग तो लोगों का तो काम है बोलेंगे, तो क्या कर भी जा रहे हैं, लोगों की सुन के गधे के ऊपर बैठ गए, गधे के ऊपर बैठ गए, तो आगे जाके सुनने को मिला, म्यूट कर दीजिए यार, आगे जाकर फिर सुनने को मिला कि ये ना लोग कहने लगे जो कितने बेवकूफ है, पूरे दिन जानवर से काम करा रहे, गधे के ऊपर बैठे हुए हैं, अब वो बेचारे गधे से फिर ऊपर से उतर गए, अब क्या करेंगे, लोगों की तो सुननी है ना। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि थोड़ी दूर और आगे चले तो फिर लोग बोलने लगे कितने बेवकूफ है यार, नीचे नीचे उतर गए, उन्होंने क्या किया था ना, दोनों तरफ से ऐसे ही बोलते हैं, उन्होंने कंधे पे उठा लिया गधे को,
तो आगे जाके लोग फिर हंसने लगे, तो कितने बेवकूफ है, गधे को कंधे पे उठा के रखा हुआ है। तो कहने का मतलब यही है, फिर लोग तो आप कुछ भी करोगे यार लाइफ में, कुछ भी करो ठीक है, आपको प्यार करने वाले भी मिलेंगे, जलने वाले भी मिलेंगे, बोलने वाले भी मिलेंगे, नहीं बोलने वाले भी मिलेंगे, क्या फर्क पड़ता है ऐसे लोगों से, कुछ फर्क नहीं। अपना काम करेंगे, पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो ठीक है। किसी की जिम्मेदारी थोड़ी, किसी का ठेका थोड़ी लेगा काम ने, कि भैया तू तू लाइक करेगा, तू सब्सक्राइब करेगा तो ही मेरी जिंदगी चलेगी। भाई मत करना ऐसे, नॉन जेन्युइन पीपल बिल्कुल नहीं चाहिए। जो प्योर एजुकेशन चाहते, ये वीडियो मैं बिल्कुल यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ ठीक है, और प्योर एजुकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी लगता है इस बात में, कोई भी सच्चाई नहीं लगती, गलत लगता, आप बिल्कुल भी सब्सक्राइब ना करें, अनसब्सक्राइब कर दें और डिसलाइक भी कर दें, जो आपको ठीक लगता है वो करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं प्योर एंड प्योर एजुकेशन में बिलीव रखता हूँ। एजुकेशन को सेल नहीं किया जा सकता, वो नॉलेज शेयरिंग किया जा सकता है। किसी को करना है तो करें, नहीं करना तो ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिंपल सी बात है, हाथ ऐसे जबरदस्ती नहीं करना यार कुछ भी ठीक है। बाकी आप सब लोग बोलिए कैसी लगी कहानी, तो ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थी पर ठीक थी वो लाइफ पे, ऐसा कि वो इम्प्लीमेंटेशन होता है क्योंकि सबको म्यूट कर दिया था, कोई हंस भी नहीं पाया उसके ऊपर, नहीं तो सब लोग हंस लेते कहानी भी सही था सर, एग्जांपल बहुत अच्छा बताया। नहीं नहीं एक कहानी और, एक कहानी और है एक्चुअली, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी तो ज्यादा वो हो जाएगा। एक्चुअली वो कहानी तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, सब लोगों को हंसी आएगी ठीक है। वो लोग पता किस लोगों में से होते हैं, जो लोग ऐसा करते हैं ना वो लोग उस लोगों में से होते हैं। जंगल में ना एक शेर था ठीक है, जंगल का राजा तो कौन होता है, शेर ही होता ना जी सर, यस सर शेर ही होता है। तो बंदर कह रहा है यार ये हमेशा से राजा शेर है ठीक है, मेरे को भी तो राजा बनाओ कभी। तो भी शेर ने बोला चल करा ले इलेक्शन, तेरे को बना देते राजा, बिना इलेक्शन के बना देते, मैं बोलता हूँ तेरे को राजा बना देते हैं। अब बंदर को क्या किया, राजा बना दिया। अब थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, जंगल में आग लग गई, आग लगी तो सारे जानवर इधर उधर भाग रखे, बचाओ बचाओ राजा कौन है, बंदर के पास जाओ। बंदर के पास गए तो बंदर क्या कर रहा, एक पेड़ से उधर, उधर पेड़ से उधर, वो चार पांच पेड़ पे इधर उधर उछल कूद मचा रहा है। तो सब लोग, बंदर कर क्या रहा है, ऐसे करते करते आग तो पूरे जंगल में लग गई, तो जानवर तो मरेंगे ना। अब शेर, शेर के पास गए, शेर कह रहा मैं क्या करूं भाई, राजा तो उसको बनाया, राजा तो वो देखेगा। तो शाम हो गई, सब हालात खराब हो गए, सब लोग उन्होंने पूछा कि बंदर से ऐसा क्या हुआ ठीक है। तो बंदर ने बोला भाई बात ऐसी है कि बस की तो मेरे कुछ नहीं है, लेकिन उछल कूद में इसलिए मचा रहा था ताकि कोई ये ना बोले कि मैंने कुछ किया नहीं। तो कहानी का ये सार निकलता है। तो ऐसे लोग भी आएंगे, कमेंट भी करेंगे, वो डिसलाइक भी करेंगे, रिपोर्ट भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, ऐसे को तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ता यार। ऐसे तो लाइफ में बतेरे आए बतेरे गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जेन्युइन बंदों को लाइक करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। एजुकेशन जिसको भी चाहिए, हम प्योर एजुकेशन में बिलीव करते हैं और प्योर एजुकेशन देंगे, हमेशा देते रहेंगे। कुछ भी आपको आज मैं एक चीज बता दूं, कभी भी मैं रिकॉर्डेड क्लासेस सेल नहीं करूंगा कहीं भी। जैसे आपको बताया था मैंने कि आपको मेल पढ़वाई थी कि मेरे पास ऑफर है कि 90-10% का शेयरिंग, 90% आपका 10% हमारा। कभी भी फ्री वाला टेलीग्राम नहीं चलाएंगे। जो टेलीग्राम है आपके लिए, किसी के लिए फ्री का नहीं रहेगा। एजुकेशन मिलेगी प्योर, जिसको लेना ले सकता, नहीं लेना आपकी मर्जी। कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं रहेगी, किसी को चीट नहीं किया जाएगा। जिसको सिखाएंगे पूरा सिखाएंगे, नहीं तो सिखाएंगे ही नहीं, सिंपल इतना सा। फिर अगर अच्छा लगे तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, नहीं तो आप अपने, हम हमारे, हम अपने में बहुत खुश हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं किसी भी तरह की। अब आप सब लोग बोल सकते हैं। कुछ भी पूछ सकते हैं, 6 मिनट बचे हैं क्लास में, 6 मिनट में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो कहानी दोनों इंटरेस्टिंग रही मेरे ख्याल से, उसमें मजा आएगा, आपने एंजॉय किया। यस सर, यस सर, यहां सर, बंदरवाल ज्यादा इंटरेस्टिंग सर। संजीव बाबा, हाँ बताइए संजीव। मैं तो अपनी लाइफ को थैंक यू बोलता हूँ, आप जैसे इंसान मिल गए हैं लाइफ में, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या है ना, पहले कॉन्फिडेंस नहीं था, एक तो आपसे मार्केट में एंट्री मिली है, एक टीचर ने अपना पढ़ा है। लेकिन हमें क्या है ना, एक जेन्युइन इंसान मिल गया जो हमें गाइड करते हैं आगे क्या करना है, जीवन के लेसन भी बताते हैं। जीवन में तो एक्सपीरियंस होता है ना, आप एक्सपीरियंस भी पाते हैं हमसे। ये वीडियो, ये वीडियो आप 10 साल बाद में देखोगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड है और सेम कुछ हम अपलोड करेंगे बिना किसी एडिटिंग के, मजा आएगा। ये तो आपकी जेन्युइननेस है, आपको छुपाते नहीं, जरूरत नहीं है छुपाने, छुपा करना क्या है, जरूरत है नहीं ना।
बिल्कुल हाइड नहीं करना, और स्मार्टनेस नहीं दिखा रहा, मन करता है बार बार बोलने का, ना दिखाते हैं ना जो लाइक करे जो दिल से गलत ही। थैंक यू सो मच भाई, आपके यहाँ डिस्टर्बेंस आ रही है कुछ ना कुछ, ठीक है। और अंकित भाई आपको समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, सब ये सब ठीक ठीक चल रहा है, तो फिर मुझे डाउट होता है, सब लोग बोलते हैं ये सब ठीक ठीक चल रहा है, तो ठीक ठीक नहीं सर, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं सर, प्रॉब्लम लगता है तो सर मैं पूछता हूं, कुछ होगा तभी तो मदद कर पाएंगे ना, प्रॉब्लम होनी चाहिए, सब ठीक नहीं चलना चाहिए, सब ठीक चल रहा है तो इसका मतलब गड़बड़ है। सर एक बात बोलनी है। कौन बोल रहे हैं? कल के क्लास में एक बार ब्रेक डाउन, कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए पहले, नाम नहीं बोलोगे कैसे बता लेंगे, माइक ऑन करके बोलिए, आवाज आ रही मेरी, माइक ऑन करके बोलिए भाई। यस सर। हाँ नंद कुमार बोल रहा हूँ सर, कल के क्लास में एक बार ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट का एक बार फिर से समझा देना थोड़ा सा। अच्छा नंद कुमार गैम्बलिंग है उसमें, गैम्बलिंग है, गैम्बलिंग 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 मैं ऐसा गैम्बलिंग कहाँ से करने लगे, किसी का डिस्टर्ब गैम्बलिंग नहीं जम्बलिंग है थोड़ा समझ में। अच्छा ठीक है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के तो सेपरेट क्लास करनी पड़ेगी, नेक्स्ट वीक होगी ना ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के लिए, थोड़ा उससे समझ में आएगा नहीं, आधा अधूरा ना वो फिर किसी काम का नहीं होगा, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के लिए वो सेपरेट टॉपिक है ना, वो तो लेंथी टॉपिक है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वाला इतना इजी तो है नहीं वो कि एक मिनट दो मिनट में समझा, थोड़ा समझ में हाँ हार्ड है थोड़ा समझ। अभी नेक्स्ट वीक में जब क्लासेस करेंगे तो मार्केट स्ट्रक्चर एरिया ऑफ रिलेवेंट एग्जिट जब दोबारा आपके आप नोट करिए, डिस्टर्बेंस आता है आपका नेक्स्ट वीक करेंगे। और कोई बोली सर, डिस्टर्बेंस आ रही है वो माइक ऑन मत कीजिए। सर शोएब बात कर रहा हूँ। हाँ बताइए भाई, कैसे आप तो बहुत कम बोलते हो वैसे भी। जी सर, वो एक पूछना था, जैसे आपने ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट बोला तो वहां पर सपोज फर्स्ट कैंडल रेड बना है और उसका इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल जो है वो ग्रीन बना है, तो ओपनिंग रेंज बाउंड जो होता है वो यानी फर्स्ट कैंडल का हाई और लो पर होता है या यानी कंसेक्यूटिव कैंडल पर भी डिपेंड करता है। ओपनिंग कैंडल की बात कर रहे हो सर, आप जैसे अभी निफ्टी के लिए बता रहे थे, आप एक पांच मिनट के अंदर आपने ड्रॉ किया था 31 मई के लिए, तो फर्स्ट थ्री कैंडल पांच मिनट के चार्ट की बात कर रहे हो जी सर, ये 31st, हाँ ठीक है 31st में यहाँ पे क्या हुआ था, प्रीवियस डे की जो रेंज थी, प्रीवियस डे की जो रेंज ये थी, ठीक है जी सर, 31st के दिन फर्स्ट कैंडल जो बन प्राइस इसके अंदर ही ओपन हुआ था, अंदर ओपन हुआ था, अब बताइए। हाँ सर, तो मेरा ये डाउट ये है कि जो फर्स्ट कैंडल बना है उसका लो जब ब्रेक होता है तो वो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट माना जाएगा या जो जो भी आप कहना चाह रहे हो, जो भी आप कहना चाह रहे हो वो गलत कहना चाह रहे हो, ठीक है, जो आप कहना चाह रहे हो कुछ और कहना चाह रहे हो, जो आपको अभी डेली वोलेटिलिटी के अकॉर्डिंग बताया कि इस रेंज के बाहर अगर प्राइस निकलेगा और प्रॉपर अगर रिटेस्ट पे एंट्री मिलेगी तो आपका क्या थोड़ा ट्रेंडिंग डे हो सकता है, ठीक है, और अगर आपका प्रॉपर वन वे निकल रहा है रिट्रेसमेंट देता तो फिर वो ट्रेंडिंग डे हो सकता है, अगर इस रेंज के है तो रेंज बाउंड सेशन के बारे में ही सोचना है, इसके अलावा आगे दिमाग नहीं लगाना है, इतना क्लियर है, यही है ना, अभी तक यही सिखाया। ओके सर, ओके। हाँ क्योंकि आप जो ओपनिंग जो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वो छोड़ दीजिए, वो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फेलियर है, ठीक है, तो उस जिस जो चीज फेलियर है ना, अगर जो चीज 60% सक्सेसफुल 40% फेलियर में उस चीज के बारे में बात नहीं करता, एटलीस्ट 90% चाहिए, तो 90% ऐसा होता है तो ठीक है उसके साथ जाएंगे, नहीं तो वो फेलियर है, तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ब्रेकडाउन बोलते हो ना वो कितने लोगों ने कैसे फर्जी वीडियो बना के रखे हैं, उसमें उसका कोई लॉजिक नहीं बनता नहीं है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ब्रेकडाउन 15 मिनट के पैसा कमाना है, अरे वो बेकार की चीज है ना, ये सब बेकार की चीज है, आपको एक डे ट्रेडिंग करनी है, आपको ओवरऑल माइंडसेट रखना है कि आपका ट्रेंडिंग डे रहने वाला है या फिर रेंज बाउंड सेशन रहने वाला है, वो स्क्रिप्ट आप स्टॉप्स हो चाहे इंडेक्स हो प्रॉपर समझना है, ये क्या है कि ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, ये तो बेवकूफी वाली चीज होगी, और ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात होगी, ज्यादा दिमाग जो आप सिखाते हो सर, वही जो आप सिखाते हो सर वो लाइफ टाइम के लिए, और वो कभी कभार किया कभी नहीं किया, ये जो सिखा